अचानक खबर आया कि लोअर सियांग एरिया में ये दुर्घटना जो हुआ है ये काफ़ी दुखित दुर्घटना है। तो मैंने तुरंत वहाँ के MLA साहब को भी फ़ोन किया, वहाँ के DC को भी हमने फ़ोन किया और तुरंत उन लोगों को मैंने कहा कि वहाँ स्पॉट में जाके लोगों से बातचीत करने के लिए, और साथ साथ हमने अपना चीफ सेक्रेटरी को ये डायरेक्टिव्स दिया कि आसाम में भी अपना जो आसाम गवर्नमेंट के साथ में भी टच होके वहाँ के भी जो अपना डिप्टी कमिश्नर साहब है उस डिस्ट्रिक्ट का शायद धेमाजी एरिया पड़ता है, तो वहाँ के भी DC SP को भी रवाना करके सबसे पहले तो वहाँ पे जो अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हो गया और जिन लोगों का जो अभी मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि दो लोगों का जान जो ऑलरेडी गंवा चुका है, तो हमको भी काफ़ी खेद है। मैं अभी इमिडिएटली जाके इसका सिचुएशन में अभी रिव्यू करने वाला हूँ और आसाम काउंटर पार्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से भी हम लोग बात करेंगे। इतना हम लोग दोनों गवर्नमेंट की ओर से हम लोग एश्योर करेंगे कि इसको ज़्यादा हम लोग फ्लेयर अप होना नहीं चाहिए और जो अपना नॉर्मल जो कम्यूटर्स है जो ट्रेवलर्स है उनको ताकि परेशानी भी होना ना पड़े। आसाम अरुणाचल अगर बॉर्डर का इशू है तो ऑलरेडी हम लोग ने आसाम का जो प्रोएक्टिव चीफ मिनिस्टर हेमंत देव जी और अपना सरकार हम लोग ने इसको बहुत अच्छे से हम लोग सोल्व करने के लिए कमिटी भी हम लोग ने गठन कर दिया है एंड बाय एंड लार्ज सारा चीज़ जो है ऑलमोस्ट रिजोल्व भी है। तो कमिटी को हम लोग ने एडिशनल 6 महीने का टाइम दिया था जहाँ जहाँ बॉर्डर डिमार्केशन नहीं हुआ था तो वहाँ जाके उन लोगों को डिमार्केट करना था, मगर इसमें ये भी डायरेक्टिव्स हम लोग ने दिया था कि चाहे आसाम का हो या अरुणाचल का हो कुछ भी अगर इश्यूज होता है तो आपस में झगड़ा नहीं करते हुए वो लोग अपना अपना डिप्टी कमिश्नर्स को जाके रिपोर्ट करें ताकि ग्राउंड लेवल में DC जो है अपना आपसे बात करके उसको पीसफुल मेंटेन रहे। मगर अनफॉर्चुनेटली इस तरह से इंसिडेंट आज दिन में ऐसे खबर आया तो काफ़ी खेद है हमें और हम लोग इसको जल्द से जल्द हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके और जो भी हैपनिंग हुआ है उसको हम लोग सजा भी देंगे।